Hello student, once again welcome back to the online platform of Basic Word. Okay? आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का जो है एक प्रोसेस होता है जिसको हम केमिकल इक्वेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम उस केमिकल जो इक्वेशन बताए थे आपको, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो बताए थे, तो उसका जो दो स्टेप होता है, एक्चुअली क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, इवन क्लास नहीं, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको वो बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि NADPH क्या होता है, उसके बाद NADH क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो अभी आपको जितना पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था बेटा, तो उसमें मैं आपको मैं यहाँ पे लिख दूं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस था, इसको मैं बता दूं आपसे कि ये दो पार्ट्स में होता है, यानी कि दो स्टेप में होता है, ठीक है। अच्छा जी, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे। पहला जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको भाई साहब? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, है ना। इसको और अदर वर्ड में हम इसको दूसरे कलर्स लिखेंगे, इसको एक हम और नेम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कि लाइट की, इसको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो नेम से जाना जाता है, ठीक है ना, फोटो केमिकल रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। मैं इसका मतलब भी बताऊंगा आपको, पहले मैं उसका टाइप्स बता दूं, ठीक है ना। तो पहला जो था हमारा वो था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, अब दूसरा जो हमारा बनेगा बेटा उसका नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था आपका, है ना। इसको एक और वर्ड से, एक नेम से, इसको एक्चुअली दो नेम से और जानते हैं, कभी कभी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, पूछ सकता है कि डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, या हाँ ठीक, यही तो होगा, है ना। तो एक हमारे पास पहला वाला जो था जिसका नाम था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरा जो था इसका नाम था लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन। जैसे वर्ड से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा बेटा कि लाइट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंड किस पे कर रहा है भाई साहब, लाइट पे, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जो बिना लाइट के नहीं होगा, ठीक है। लाइट मतलब कौन सा लाइट? हैलोजन की लाइट नहीं, जिस लाइट की बात हम करते हैं उसको कहते हैं हम कौन सी लाइट भाई साहब? सन लाइट। याद आ रहा होगा आपको, मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब? सनलाइट की। और सनलाइट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, अब इसको आगे स्क्रॉल करके मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं उसको नीचे बताऊंगा आपसे, ठीक है। देखो कभी कभी इसको एक और नेम से जानते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन। तो देखो भाई, फोटो जहां पे होता है, फोटो, समझना मेरी बात ध्यान से, फोटो मतलब होता है क्या? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी कि फोटो, अच्छा भाई लाइट लेके वो कौन सा रिएक्शन कर रहा है? केमिकल रिएक्शन कर रहा है ना। तो जब लाइट लेके वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया ना। चलो अब दूसरे की बात अगर करें हम, तो सेकेंड वाला जो हमारे पास है उसका नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? उस पर डिपेंड नहीं रहेगा, यानी कि बगैर लाइट के ये प्रोसेस होता है, यानी कि कब होगा? डार्क में होगा। तो डार्क का मतलब रात में नहीं होता है, बस जान लीजिएगा, डार्क का मतलब रात में नहीं होता है, लेकिन सेल के अंदर, अब देखो बताएं, सेल जो होता है आपने पढ़ा होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो है जो रिएक्शन अगर हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है, तो वो कब हो रहा है? तो भाई कहोगे दिन में हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिन में पूरा पहले फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट रिएक्शन हो जाएगा, फिर पूरी रात बैठ के लाइट का डार्क वाला पार्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दोनों एक साथ चलते रहते हैं, दोनों एक साथ चलते रहते हैं। वो एक प्रोसेस है, पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद जो चीजें बनेंगी वो सीधे चले जाएंगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। यानी कि पहला जो स्टेप होगा, मैं ऐसे स्टेप वाइज बोल सकता हूं मैं इसको, कि अगर स्टेप होगा तो स्टेप पहला जो होगा वो आपका ये होगा, और स्टेप दूसरा जो होगा वो आपका ये होगा, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, और व्हाट आई कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टेप ऑफ
फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट और द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई दो ही है, तो लास्ट कह लो या आखिरी कह लो या सेकंड कह लो, मतलब वही है। तो ये तो समझ में आ गया ना कि इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं और इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं क्या होता है। वैसे इसका बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन टेंथ के लिए बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा। जितना तुमको जानना है सिर्फ उतना ही जानो, ठीक है बेटा? ज्यादा जानने से कोई मतलब नहीं बनता। तो अब मैं हेडिंग डालूंगा मैं लाइट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, ये चलिए आइए देखते हैं। देखो भाई सब, लाइट जब आता है ना, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ऐसा नहीं होगा ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि लाइट डिपेंडेंट में लाइट की रिक्वायरमेंट है तो डार्क में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑफ कोर्स नहीं होगी। और लाइट जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जो यानी कि डार्क जो रिएक्शन है, उसमें क्या होगा ना कि जो लाइट डिपेंडेंट से चीजें बनेगी वही उसमें एंटर कर जाएंगी। कैसे? अच्छा आइए जरा देखते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनेगा क्या, ठीक है ना? तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास सबसे पहले आ गया वाटर मॉलिक्यूल। क्या गया भाई साहब? वाटर मॉलिक्यूल। और इसको हमने कहा कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है? अब दो मॉलिक्यूल हो गए और यहां पे हमने रिएक्शन कराया। जब रिएक्शन कराए हम, तो देखो भाई हम यहां पे तुमको पीला लेके बता रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना? ये सनलाइट है, हम यहां पे सनलाइट बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? सनलाइट लगा है ना, और लगने के बाद क्या हुआ यहां पे, ठीक है आगे देखना कि इसमें क्या होगा कि वाटर जो था ना ये स्प्लिट होता है, वाटर स्प्लिट होता है। और जब वाटर स्प्लिट होता है तो वाटर जो है चार हाइड्रोनियम आयन में स्प्लिट होता है, साथ ही साथ इसके चार इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी निकलता है। देखो मैंने दो ऑक्सीजन निकाले हैं, यहां पे बताओ दो ऑक्सीजन यहां पे है, चार हाइड्रोजन यहां पे, चार इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब जरा सा समझना बात को हमारे, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने पूछा या आपसे शायद ऐसा पूछ दे, आप 11 में पढ़ेंगे तो आपको बताया भी जाएगा। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो चलो इसको स्किप करके जाता हूं, हम आगे बता रहे हैं, एक बार बताना जरा सा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें CO2 भी होता है और H2O भी होता है ना, और एंड में आपने देखा था कि C6H12O6 होता है, साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और साथ ही साथ में जो है आपका ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं, ये होता है ना। तो एक बात बताओ हमको, देखो ध्यान से इधर बताओ, ये बताओ इसकी कार्बन डाइऑक्साइड वाले के पास भी ऑक्सीजन था और वाटर वाले के पास भी ऑक्सीजन था, और यहां पे ऑक्सीजन निकला जो हम सांस लेते हैं, निकला ना? तो एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीजन वहां निकला है जो कि हम सांस लेने के लिए यूज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का है या वाटर का है? अरे समझ में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल और द ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर द एनिमल्स इज एक्चुअली द ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना? तो अभी जब मैं इसको तुमको बताऊंगा ना, आखिर में तुमको ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी कि वो जो ऑक्सीजन होता है वो किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का पार्ट होता है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड का है या वो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का है, ठीक है ना? चलिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल क्लियर देयर ओनली। चलो जी भाई साहब, आप मुद्दे की बात करते हैं। देखो यहां पे देखो, जब ये हुआ था ना प्रोसेस, फोटोकेमिकल प्रोसेस हुआ था, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जब हुआ था, है ना, यहाँ पे, तो जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हुआ था ना, तो देखो ब्रेक क्या हुआ था आपका, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ब्रेक किसमें हुआ, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, H+, ओके, और साथ ही साथ में चार इलेक्ट्रॉन्स भी निकले थे और ऑक्सीजन गैस भी निकला था, ठीक है ना? मैं आपको एक बात बता दूं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो यही ऑक्सीजन होता है, and that oxygen which is coming to us is actually the oxygen which is produced, which is actually it was the part of water molecule, not of carbon dioxide. Okay? चलिए, तो ये तो हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जरा एक बात बताओ, इसको क्या कहते हैं हम, वाटर कहते हैं ना, है ना? तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वाटर। वाटर को साइंटिफिक टर्म में हम हाइड्रो भी लिखते हैं, हाइड्रो, ठीक है ना? और हाइड्रो को जब तोड़ा गया, मतलब लाइसिस हुआ ना, तो कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हाइड्रो को लाइस किया गया है तो इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, यहाँ पे तुमको एक बात बता दें कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है उसमें वाटर ब्रेक होता है, तो वाटर का मतलब होता है हाइड्रो और ब्रेक होना का मतलब होता है लाइसिस, यानी कि यहाँ पे जो टेक्निकली टर्म जो यूज किया जाएगा वो यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना? यानी कि हाइड्रोलिसिस हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ है, इसमें क्या ब्रेक हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपसे एक नंबर में यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डिफाइन हाइड्रोलिसिस,
तो आप बता सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक्स इनटू इट्स ओन कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर दोस कंपोनेंट दैट इज वाटर मॉलिक्यूल दैट इज हाइड्रोनियम आयन दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ऑक्सीजन गैस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज. एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, जरा तुम लोग बताना हमको अगर किसी को समझ में आए तो. वो क्वेश्चन ये है, हम इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन हमारे पास है, एक हमारे पास ये ऑप्शन है और एक हमारे पास ये है. इसको हम ओजोन कहते हैं, इसको हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन कहते हैं मॉलिक्यूल, और इसको ऑक्सीजन एटम कहते हैं. इन तीनों में से हम सिर्फ O2 को ही क्यों इनहेल कर सकते हैं, O को क्यों नहीं करते, O3 को क्यों नहीं करते हैं, क्वेश्चन है ये, ठीक है ना. तीनों जबकि ऑक्सीजन ही है ना, जरा हमको बताइएगा. चलिए आगे चलते हैं. तो भाई साहब देखो क्या हो गया आपको, हमें बेसिकली तीन चीजें मिल गई है ना, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ये तो निकल जाएगा बाहर है ना. अब बचेगा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा. तो अब दूसरा जो स्टेप हम लिखने जा रहे हैं यहां पे, उसका नाम है, यहां पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, अब यहां पे हम लिख देते हैं लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन. ठीक है जी भाई साहब. चलो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन. ठीक है ना, डार्क से मैंने लिख दिया है. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि डार्क रिएक्शन में क्या रिक्वायरमेंट होगी. देखो इसे, इसका अगर स्टेप बताएं तुमको, जिसमें एनएडीएच और एनडीपीएस समा तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारे हिसाब का नहीं है तो जितना तुमको बता रहे तुम समझो ध्यान से. पहले हम दो चीजें उठा लेंगे यहां से, पहला क्या हाइड्रोनियम आयन, दूसरा क्या इलेक्ट्रॉन. चलो उठा लेते हैं है ना. हम आपको एक सम अप आइडिया दे रहे हैं जिससे कि आप अगर चाहेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर क्या हो रहा था. तो क्या होगा यहां पे, चार हाइड्रोजन, एक मिनट, यहां पे क्या होगा, चार मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के जो कि आयन के फॉर्म में थे, साथ ही साथ में चार इलेक्ट्रॉन्स भी था, प्लस साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हम लगा रहे थे ना भाई साहब, है ना, CO2, क्योंकि देखो हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा. देखो मैं लिख देता हूं सबसे पहले, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड था प्लस वाटर मॉलिक्यूल था, साथ में क्या निकल रहा था, C6H12 एंड O6, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, प्लस ये भी वेपर के फॉर्म में जा रहा था, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था जो कि वेपर के फॉर्म में जा रहा था. यानी कि हमारे पास दो चीजें थी, पहला क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या था हमारा वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल टूट गया, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो टूटा हुआ पार्ट था वो तो हम ले लिए यहां पे. देखो भाई वाटर मॉलिक्यूल का टूटा हुआ पार्ट तो हम ले लिए यहां पे, इलेक्ट्रॉन भी ले लिया हमने चार, और चार हमने हाइड्रोजन आयन भी ले लिया. अब उसके बाद क्या था हमारे पास यहां पे, क्या था देखो यहां पे भाई साहब, दूसरा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड ही तो था यहां पे. देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो है, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को उठाए हम और यहां पे यूज कर लिए. अब देखो ध्यान से, देखो यहां पे हमने इनको यूज किया, और यूज करने के बाद मैं आपको एक सम अप बता रहा हूं. एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन बहुत लंबा है जो कि आपको जानना नहीं, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड साथ, और इसके बाद इनका एक केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो केमिकल बनेगा उसका नाम है C6H12 एंड O6. क्या बना भाई साहब, C6H12 एंड O6, और इसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब, ग्लूकोज. ठीक है ना, ग्लूकोज इसको हम कहते हैं. ठीक है ना, अब ग्लूकोज जो है, अब थोड़ा सा डिटेल तुम लोगों को हम बता दें, ग्लूकोज जो होता है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसको हम हेक्सोज शुगर भी कहते हैं. तो मैं लिख दे रहा हूं इसको हेक्सोज शुगर. ठीक है ना, ओके ना जी. एक बात हम आपको बता दें, ग्लूकोज होता है इसको बोलते हैं हेक्सोज शुगर, कभी कभी इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी पूछता है. ठीक, तो वो भी हम सोच रहे हैं आपको हम बता ही दें इसी लगे लिए. ठीक है, तो बहरहाल पहले इसको क्लियर करते हैं. तो लाइट डिपेंडेंट, देखो यहां पे कहीं मैंने जब रिएक्शन कराया था तो मैंने कहीं पर लाइट का जिक्र किया ही नहीं, जो प्रोसेस था वो हो गया, और इस पूरे प्रोसेस में कहीं लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी. तो जब लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और फिर भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन, या उसको अदर वर्ड में बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन. ठीक है, अब एक बात हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो दिन में अगर हो रहा है तो लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन रात में होगा. लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो उसी टाइम हो रहा है, क्योंकि देखो ना तुम तो देखो कि भाई अगर ऐसा तो है नहीं कि भाई सेल जो है सबसे पहले ब्रेक करके वाटर मॉलिक्यूल को, अरे रुक जा भाई, ऐसा तो नहीं कि भाई सेल जो है क्या कहते हैं
लीव जो है उसके स्टोमेटा के, वो आपके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके तोड़ के रखे रहेंगे उसमें प्लांट में, जब रात होगी तब पलटना शुरू करेंगे और उसको उठा उठा के कार्बन डाइऑक्साइड मिला मिला के जो है ग्लूकोज बनाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो इमिडिएटली एंटर कर जाते हैं कहाँ पे, आपके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के फेज में, और वहां पे क्या होता है कि वही आपके केमिकल्स, वही आपके मॉलिक्यूल्स जो बने थे, कंपोनेंट जो ब्रेक हुए थे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं आपका ग्लूकोज, ठीक है ना। इसको हम हेक्सोज शुगर बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इधर से इस हेक्सोज शुगर का हम नाम बता देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना। देखो पूछा जाता है कभी कभी, बाय द वे फ्रीक्वेंटली नहीं लेकिन जी, तो आइए शुरू करते हैं। देखो तो हम बता रहे थे आपसे कि जो ग्लूकोज है ना, जो हेक्सोज शुगर है इसका स्ट्रक्चर बताने की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, इसको आप एडअप कर लीजिएगा, ठीक है ओके। और आप अपने एग्जाम में अगर बाय द वे बना देंगे आप, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं बनाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हाँ, चल तो हम आपको बताते हैं। देखो भाई साहब, देखो एक कार्बन है, दो कार्बन, कार्बन छह है तो लगा दिया हमने, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक ना भाई साहब। चलो जी, अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो यहाँ पे एक 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 यहाँ पे हम ऐसे लगा दे रहे हैं पहले, ठीक है ना, फिर बाद में इसकी सेटिंग करेंगे कौन कहाँ जाएगा, कौन किसके साथ जाएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज जो होता है बेटा उसमें सेकंड कार्बन जो होता है, देखो यहाँ पे बता तुझे कार्बन नंबर, देखो ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो कार्बन नंबर सेकंड पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग के सबसे पहले ऑक्सीजन लगाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभी काउंट कर लेंगे, सब लगाएंगे हम, 12 हाइड्रोजन भी लगाएंगे और 6 क्या कहते हैं ऑक्सीजन भी लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे और यहाँ पे एच लगा लेंगे और यहाँ पे सब पे क्या है OH OH और OH लगाएंगे, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच और यहाँ पे एच। जरा काउंट करिए तो देखिए कितना ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लगा लेंगे यहाँ पे OH। देखो भाई साहब OH, देखो भाई साहब एक दो तीन चार पाँच छः, छह ऑक्सीजन हो गया भाई साहब, हो गया भाई, हाँ तो देखो भाई छह ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन आपके 12 होने चाहिए, तो देखो भाई साहब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और 12, यानी कि 12 हाइड्रोजन भी हो गए, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल बना है ना, उसमें ध्यान से देखना जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये ऐसे है, ठीक है ना, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा नहीं, मैं तुमको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कॉपी बना के मत आ जाना, ठीक है ना। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, इसको सेलेक्ट करके जरा सा किनारे कर दें, ठीक है, देखना जरा से तुम, ठीक है ना। देखो ये है ना, अरे तुम टेढ़े क्यों हो गए भाई, ओहो भाई दबे छोड़िए कोई बात नहीं। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका किसका, ग्लूकोज का, ठीक है ना। अभी बात ध्यान सुनना, मैं बनाया हूं जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बनाया हूं, आपने ये पता किया होगा ना, या आपको शायद किसी ने जरूर बताया होगा कि जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो प्लांट का अलग होता है और एनिमल का अलग होता है। प्लांट के बारे में कहा गया है कि जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो स्टार्च में स्टोर होता है, और जो जो एनिमल में होता है वो आपका होता है ग्लाइकोजन में। तो एक बात बताइए, ग्लूकोज, अब एक बात सुना मेरी बात ध्यान से, जितनी फ्रिक्वेंटली जितना फ्रिक्वेंटली एक मिनट रुकिएगा बेटा, जितना फ्रिक्वेंटली आपका ग्लूकोज बनता है प्लांट के अंदर उतना स्पीड से प्लांट उस ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाता है, यानी कि इफ द स्पीड बाय विच द ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड इनटू द लीव्स एट द सेम स्पीड द प्लांट नेवर कंज्यूम दैट कंप्लीट ग्लूकोज। तो क्या होता है कि भाई जैसे आपने हमारे घर में, आपके घर में भी होता होगा ना, कि जब कोई खाना हमारे यहाँ आ गया, अगर बच गया तो उसे उठा के फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि हम कल भी उसे खा सकें, ठीक है ना। तो प्लांट भी कुछ ऐसा करता है कि कुछ अमाउंट जो होता है वो कंज्यूम करता है और कुछ अमाउंट जो बच जाता है उसे क्या करता है, वो स्टोर करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, जो प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करते हैं वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं भाई साहब, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है ना। और स्टार्च भी क्या है, ग्लूकोज भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी आपका कार्बोहाइड्रेट है ना। तो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। यहां क्वेश्चन ये है, एक बार सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा था क्लास 10 में, कि हम ये जरा बताने की कोशिश करें कि जो ग्लूकोज जिसको कि प्लांट बना रहा था वो उसे ग्लूकोज के ही फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं करता है, क्यों उसे स्टार्च के फॉर्म में वो कन्वर्ट करके तब स्टोर करता है। समझ रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं, यानी कि क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा कि व्हाई डज ग्लूकोज इज नॉट स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बट इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च,
हमको इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको शायद ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर बेटा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताइएगा, इससे आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, ठीक है। और साथ ही साथ में बेल आइकन जो है उसको भी दबा लीजिएगा आप, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अभी ऑटोट्रॉपिक के बाद अगला जो हम वीडियो शुरू करेंगे उसमें आपको बताएंगे हेटरोट्रॉपिक के जो मोड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक इटसेल्फ क्यों बॉडी के द्वारा ऑप्ट किया जाता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।